गाइस, वेलकम टू PSK व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रतिभा और आज मैं खाने वाली हूँ स्पाइसी फिश करी। यस गाइस, ये ना बिल्कुल यूपी स्टाइल में बना हुआ है। हमारे यूपी में ना बहुत स्पाइसी फिश हम लोग खाते हैं, बहुत स्पाइसी फिश खाते हैं, मज़ा ही आ जाती है। और हमारे बिहार में भी ऐसे ही बनता है, बिहार में भी बहुत स्पाइसी, एकदम तेल वेल डाल के बिल्कुल बहुत बहुत तबीयत से तेल डाला जाता है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल ऊपर ऐसे तैर रहा होता है तेल। तो बस हमारे यूपी बिहार में ऐसा ही बनता है, ठीक है। और बस खुशबू इतनी आ रही है कि बस टूट पड़ूँ मैं, इतना ज़्यादा लाजवाब लग रहा है देखने में भी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका। और आज मैंने फ्राई करके फ़िशेस बनाई हुई हैं, ठीक है, और मैंने सारे पीस ही रखे हैं आज, मैंने कोई भी टेल वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो देखने में बहुत 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 मज़ेदार लग रही है। और लास्ट टाइम मैंने बनाया था बिना फ्राई किए, ओ माय गॉड कितना टेस्टी। आप में से किसको किसको पसंद आया था मुझे कमेंट करना अगेन। और इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना बिना फ्राई किए हुए भी, आए हाय, और फ्राई करके भी। चलो खाना शुरू करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओह माय गॉड, फिशेस तो मेरी फेवरेट है यार। हे गाइस, फाइनली थंबनेल वंबनेल के चक्कर में सब टूट टाट गया है। खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं पहले फिश से। वाओ, अमेजिंग गाइस। Thank you.
तो गाइस खाने में मैं इतनी मगन हो गई कि मैं भूल ही गई कि आज तो मुझे स्टोरी सुनानी थी। यस तो आज ना मैं एक बहुत 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 अमेजिंग सी स्टोरी सुना, छोटी सी पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग। एक बार, और आप में से किसने सुनी ये कहानी मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी ऊँट खरीदने के लिए बाजार जाता है जहाँ पे ऊँट वगैरह बिक रहा होता है, जानवर बिक रहे होते हैं। तो ऊँट खरीदने के लिए वो बाजार जाता है, तो क्या होता है कि जब वो बाजार जाता है ना, तो वहाँ पे उसको एक ऊँट पसंद आ जाता है जिसको वो लेना चाहता है। तो उसने जो है दुकानदार से बोला कि मुझे ये ऊँट चाहिए, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है साहब, पैसे की बात हो जाती है, सब कुछ लेन देन सब कुछ हो जाता है, वो ऊँट लेके घर चला जाता है, ठीक है व्यापारी। जब वो घर जाता है तो अपने नौकर से कहता है, नौकर जो कि उसका घर का सारा काम करता है, वो सब कुछ संभालता है, तो अपने घर के नौकर से कहता है कि मैं ऊँट लेके आया हूँ, ठीक है, तुम इसकी देखभाल करना, इसको जो है नहला धुला के, बिल्कुल अब बाहर से आया था तो सारी बात उसको थोड़ा नहला धुला के अच्छे से साफ सुथरा कर दो, ठीक है। तो नौकर कहता है ठीक है साहब। तो बस ऊँट की सफाई शुरू हो जाती है। नौकर जब ऊँट की काठी निकालता है तो वो देखता है कि काठी के नीचे एक मलमल का कपड़ा था जिसके अंदर ना बहुत सारे हीरे थे, ठीक है। तो नौकर देखता है, बहुत खुश हो जाता है और दौड़ के आता है व्यापारी के पास और बोलता है कि बहुत सारे हीरे हैं, ठीक है, जो कि मुझे ऊँट के काठी के नीचे मिले। तो व्यापारी ने कहा कि अच्छा ठीक है, लाओ मैं इसको जो है उस दुकानदार को वापस कराऊंगा जिसे मैंने खरीदा है ऊँट। फिर नौकर ने सोचा कि यह पागल मालिक है क्या, इसको क्या इतना सारा हीरा मिला हुआ, ऊपर से इसको कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ लौटाने, दिमाग खराब हो गया इसका। तो उसने बोला कि अरे ये तो हम लोगों को मिला है ना, अभी हम लोगों का है, आप क्यों देने जा रहे हैं। तो उसने तो व्यापारी ने बोला कि नहीं, ये हमारा नहीं है, ये उस दुकानदार का है जिससे मैं ऊँट लेके आया हूँ। तो बस उसको वो देने चला जाता है। जब वो वहाँ देने जाता है और दुकानदार से बताता है कि ये जो है ऊँट के नीचे, ऊँट की काठी के नीचे जो है हमें ये हीरे मिले हैं, तो दुकानदार बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो इसको बहुत देर से ढूंढ रहा था, ये वहाँ चला गया था। तो बोला कि हाँ ये हमारे पास आ गया था। तो दुकानदार को लगा यार कितना ईमानदार है, इसको तो और कोई होता तो रख लेता, बट ये तो लेके आ गया। तो उसने खुशी में बोला कि आप इसमें से जो भी दो हीरे चाहें वो निकाल लो, जो भी तुम हीरे चाहते हो दोनों दो हीरे इसमें से निकाल लो अपने लिए। तो व्यापारी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए हीरे, मैं बस इसे लौटाने आया हूँ। तो दुकानदार ने बोला कि नहीं, तुम इसमें से दो हीरे ले लो, ठीक है, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तो तुम दो हीरे इसमें से निकाल लो, तुम चाहते तो पूरा रख सकते थे पर तुमने नहीं रखा। तो व्यापारी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने दो हीरे इसमें से ऑलरेडी रख लिए अपने पास, ठीक है, इसमें से दो हीरे मैंने पहले ही निकाल के रख लिए हैं। दुकानदार को थोड़ी गुस्सा आई कि यार ये तो पहले ही दो रख चुका है, उसके बाद लौटाने आया है। खैर तो वो क्या करता है, हीरों को गिनने लगता है। जब वो हीरों को गिनता है
तो वो देखता है कि इसमें तो जितने हीरे मैंने रखे थे उतने ही हैं, इसमें तो कोई भी हीरे कम नहीं हुए। तो उसने बोला व्यापारी से कि तुमने कौन से हीरे निकाले, इसमें तो पूरे हीरे हैं। तो पता व्यापारी ने क्या बोला? व्यापारी ने बोला कि मैंने ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी और आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ये दो अनमोल हीरे मैंने अपने पास पहले ही रख लिए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ईमानदारी दिखाई और तुम्हारे सिक्के मैंने वापस किए, और इससे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेरे लिए मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो भी बढ़ा, ठीक है। तो जब दुकानदार सुना तो बहुत बहुत उसको अच्छा लगा, खुश हुआ कि इस तरीके के लोग भी हैं आज की डेट में। तो बस फिर क्या था, वो अपने हीरे लेके चला जाता है। इस कहानी से ना बहुत 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 बड़ी सीख मिलती है गाइस। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो में हमने बोला था कि पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ, पर सब कुछ नहीं है, ठीक है। पैसे से आप क्या नहीं खरीद सकते यार, पैसे से हर एक चीज़ मुमकिन है, हर एक चीज़ ली जा सकती है, सब कुछ पैसे से खुशियाँ भी खरीदी जा सकती हैं। एंड दिस इज़ रियलिटी गाइस, यस, पैसा सब कुछ है। लेकिन सोचो आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप अपनी नज़र में गिरे हुए हो। सोचो आपके पास बहुत पैसा है और आपके माँ बाप खुश नहीं हैं। सोचो आपके पास बहुत पैसा है लेकिन वो सुकून नहीं है, है ना। सोचो आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन फिर भी वो चैन की नींद नहीं है, वो एक भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जो एक जो ठहराव होता है जीवन में ना, एकदम रिलैक्स कि बिल्कुल सुकून से जी रहे हैं लाइफ, वो नहीं है। तो सोचो कैसा लगे, क्या फ़ायदा फिर ऐसे पैसों का। तो पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो लोग बोलते हैं ना कि पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से ये नहीं हो सकता, पैसे से 99% चीज़ें ली जा सकती हैं, ठीक है, बस इमोशंस, फीलिंग, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ये सब चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, बट बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के पैसा मत करना, अपने आप को दांव पे लगा के, अपने फैमिलीज़ को दांव पे लगा के पैसा नहीं, क्योंकि फैमिली से बढ़ के, अपने आप से बढ़ के, अपनी नज़रों में हमेशा बड़े रहो, हमेशा, कोई कुछ भी कहे, भाड़ में जाए, अपनी नज़रों में हमेशा ऊंचे रहो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जाती हैं और बहुत ज़रूरी होती है, पैसे से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें, है ना। तो पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो ईमानदारी से कभी भी किसी और का सोचो ना कि किसी और का हक ले लें और खुश रहेंगे हम, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी और का हक मारोगे ना, आगे चल के आपको डबल उसका जो है भुगतान करना पड़ेगा। तो मस्त रहो, खुश रहो, अपने पास जो है ना बस उसमें खुश रहो, दूसरों का लेने की कोशिश मत करो, चाहे जैसे भी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी, छोटी सी थी पर बहुत 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 अच्छी। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करना, ठीक है। और ये मछली बहुत टेस्टी यार, पैसा उड़ाने का ना मज़ा तभी है जब आपका परिवार आपके साथ होता है, आपके मम्मी, आपके पापा, सब कोई। कि फैमिली से बढ़ के पैसा नहीं है यार, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे पहले। मेरे अपने मेरे पास होने चाहिए, मेरे अपने खुश होने चाहिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के अलावा ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया कभी लाइफ में, और ना कभी दूंगी, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली मेरी जान है, मतलब चाहे यहाँ हो चाहे मेरे मायके में, कोई भी मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरी जान है, मतलब मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ कोई और ना सुन ले, बट मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
क्योंकि वो मेरे लिए करते हैं, ठीक है, वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा, चाहे मेरे कहीं के भी फैमिली मेम्बर्स हों, मायका हो चाहे ससुराल, हर कोई मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा। मुझे थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है सब परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं भी उनके लिए, वो कहते हैं ना तुम एक कदम बढ़ाओ हम 10 कदम बढ़ाएंगे, हम उनमें से हैं, ठीक है। बहुत सारे काटे, ह ह ह।